गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खड़िया के सभी प्लस टू के विद्यार्थियों को सुप्रभात। इतिहास में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है किताब उल हिंद पर। किताब उल हिंद अरबी में लिखी गई अल बरूनी की एक कृति है, यानी कि यह अल बरूनी के द्वारा लिखी गई एक विस्तृत ग्रंथ है, यानी कि पुस्तक है। इसकी भाषा सरल एवं स्पष्ट है। ये बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, यानी कि किताब उल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक या कृति बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। यह एक विशिष्ट ग्रंथ है, यानी एक ये बहुत बड़ा ग्रंथ है जो धर्म, भारतीय धर्म और दर्शन, त्योहार, भारतीय त्योहारों के बारे में, खगोल विज्ञान, जो आकाश में खगोल और विज्ञान के ऊपर, भारतीय रीति रिवाजों पर, प्रथाओं पर, भारतीय समाज में क्या क्या प्रथाएं प्रचलित थी इनके ऊपर, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन होता है कि हम समाज में किस तरह से रहते हैं, क्या खाना खान पीन करते हैं, किस तरह का पहनावा करते हैं, ये होता है सामाजिक जीवन। तो इसके अंदर सामाजिक जीवन पर भी बहुत विस्तृत रूप से लिखा गया है। फिर है भारतोल, नापतोल, उस समय किस तरह के नापतोल रहा था, मापन विधियां किस तरह से किसी चीज को मापा जाता था, मूर्तिकला, उस समय भारत की जो मूर्तिकला है उसके ऊपर भी विशेष रूप से प्रकाश डाला गया, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है, यानी कि किताब उल हिंद के 80 अध्याय है, इनमें इन चीजों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अल बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में प्राय एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, प्रत्येक अध्याय के अंदर एक विशिष्ट शैली के द्वारा प्रयोग किया गया। आरंभ में एक प्रश्न है, शुरू में वह एक प्रश्न करता है और उसके बाद संस्कृतिवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन है और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना की गई है। वह भारत की संस्कृति की तुलना विश्व के अन्य देशों से करता है, यानी कि भारतीय संस्कृति की तुलना अन्य देश की संस्कृतियों से इस पुस्तक के अंदर तुलना कर करके वह क्रमबद्ध ढंग से लिखता है। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है, आज कुछ विद्वान यह मानते हैं कि अल बरूनी का गणित की ओर झुकाव था। वो कहते हैं कि जो अल बरूनी जिसने किताब उल हिंद लिखी उसका गणित की तरफ ज्यादा झुकाव रहा होगा। यही कारण है कि इस पुस्तक जो लगभग एक ज्योतिर्विंद संरचना है, ज्योति माने ज्योमेट्री, ये जो किताब है किताब उल हिंद एक ज्योमेट्रिकल किताब मानते हैं, जो बहुत ही स्पष्ट बन पड़ी है, यानी जो एक बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखी गई है, जिनके अंदर भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन पर बहुत ही विस्तृत प्रकाश डालती है। थैंक यू।